स्नान कर लिया है। कर दी पूजा काजल, तूने क्या मांगा माता से? है बता तो गाइस। गीता बहन, तूने तूने क्या मांगा? पास हो जा। बस पास हो, सब यही मांग रहे भाई, पास हो जाए बस। तो भाई फाइनली हर जगह पूजा हो गई, बस अब घर पे करने लास्ट चलते हैं, घर पे करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आवाज़ से पता चल रहा होगा तुम्हारे भाई की तबीयत खराब हो रखी है, दो दिन से भाई फीवर हो रहा है भयंकर वाला, और जुकाम भी हो रहा है। गाइस पता है टाइम कितना हो रहा है? 11:30 हो रही है, मैं अभी तक सो के नहीं उठाऊँ। मतलब सुबह 5-6 बजे उठा था उसके बाद मैं फिर सो गया था। और गाइस आज है नवरात्र, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं भी बधाई। और गाइस मेरा आज व्रत भी है, तो भाई हालात ख़राब हो रखे, सुबह से अभी कुछ भी नहीं खाया है। 11:30 बज चुके हैं, अभी मैं नहाऊंगा, नहाने के बाद पूजा वूजा करनी है, उसके बाद व्रत खोलना है, कुछ खाऊंगा थोड़ा बहुत। मैंने मेडिसिन भी नहीं लिया गाइस, पता है, क्योंकि गाइस तबीयत ख़राब हो रही है, तीसरा दिन है आज मुझे भाई, बहुत ज़्यादा मतलब फीवर हो रहा है। अब भी ना मेरा हेड पूरे सारी पूरी बॉडी गर्म हो रही है भाई, भयंकर वाली। अब नहाना ज़रूरी है क्योंकि भाई व्रत भी है, और नहा कर ना थोड़ा फ्रेश महसूस करूँगा मैं। तो भाई अभी चलते हैं, और नहाने पता है गंगा पे जाना है हमें, घर पे नहीं नहाना, मतलब गंगा नहाने जाएंगे, क्योंकि यार जब भी मैं व्रत रहता हूँ तो हम गंगा ही नहा के आते हैं, क्योंकि हमारे पास में गंगा जी हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गंगा नहाने, मैं और सूरजपाल, उसके बाद आके हमें पूजा वूजा करनी है। तो भाई बस उठ के और बाइक से चलते हैं गंगा नहाने के लिए, क्योंकि भाई तबीयत ख़राब पहली बात तो होगी नहीं, क्योंकि हम माता रानी का व्रत कर रहे हैं, तो भाई तबीयत ठीक हो ही जाएगी। तो फाइनली चलते हैं गंगा नहाने, उसके बाद व्रत व्रत खोलेंगे। तो भाई फाइनली अभी हम जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए, और भाई मन नहीं कर रहा लेकिन नहाना है। यानी भाई साहब बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, इधर खड़ी है अपनी, क्यों ये कपड़ा किसने डाल दिया? चलो इसे रखना पीछे, हमारे साथ जा रहा है ये बिल्ला, और सूरजपाल कहाँ पर है? ये भी जाएगा? चारों, चलो चारों चल लेंगे भाई, चार चार बंदे हम जाएंगे इस पर, चार बिठाते नहीं है, लेकिन हम अपने स्टाफ के, हम अपने स्टाफ के चले जाते हैं ना। चलो भाई, तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं गंगा नहाने के लिए, और भाई भाई तबीयत ख़राब हो रही, बोला भी नहीं जा रहा, और ये कमीने चार तीन बैठे पीछे, मेरी हालात ख़राब होगी बाइक चलाते चलाते। भाई इतना लोड बढ़ रहा है ना बहुत ज़्यादा, एक रास्ता ऐसे उबड़ खाबड़, गंगा पे जाने के लिए तो यही रास्ता रहती है। तो मिलते हैं आपको गंगा पे, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग हम शूट नहीं कर पा रहे, मेरी हालात ऐसी हो रही है। चलो भाई, तो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं गंगा जी पे, मेरी बाइक पहली बार आई है भाई, इसे भी नहीं लाएंगे हम। तो भाई मैं लेके जा रहा हूँ अपनी क्यूर को गंगा जी में, पहले आप हाथ जोड़ देते भाई, पहले निकल जाएगी। गाइस ये चेक करो अपने बाइक की क्या हालत कर ली भाई, इससे ना प्रॉब्लम हो सकती है, रेत आया हो ये बट डिस ब्रेक में भर गया रे। गाइस ये चेक करो भाई हमने बाइक क्या के साथ में क्या कर लिया, धुल के निकालो यार इसे, ऐसा ठीक नहीं है भाई, धुलते हैं ना इसको भाई। हम जा रहे हैं अपनी क्यून को धुलने, अभी पहले अपनी क्यून को धुलते फिर हम नहाएंगे। मैंने बिल्ला खुदवा यार, धो रे यार, धो ओ आराम से भाई, क्या रेत आ रही है, इसमें कपड़ा भी तो है। अरे भैया ऐसे घुमाते हैं गंगा में स्लीमर बाइक है, पागल रेता हो जाता तो उठेगा यार, रेत की वजह से ये गंदा पड़ रहा है यार। वो होगी नहीं गाइस, देख लो होगी नहीं देख लो, इतनी बात हो गई लो, मैं बस धोने की, बस पानी मारने की। तो गाइस फाइनली हमने अपनी क्यून को धुल लिया है गंगा जी में, आज पहली बार गंगा स्नान करा दिया हमने इसको। ये चेक करो भाई, ओए सो पे कपड़ा नहीं मारना, स्क्रैच आ जाएंगे, रेत है ना, तो इसे बाहर खड़ी करके आते हैं पहले, फिर हम नहाएंगे है ना यशवंत भाई। चलो तो गाइस फाइनली हमने अपनी बाइक को धुल लिया भाई, इतने आतंकी गर्दी कर दी ना, आपने रील में देख लो होगा भाई, यहाँ बाइक अंदर घुसा दी हमने अपनी R15। तो भाई तबीयत ख़राब हो रही थी सच में, पुकार ही भाग गया अब तो ऐसा लग रहा है। तो फाइनली नहाते हैं गंगा स्नान करते हैं, जो मेन गंगा स्नान है, उसके बाद निकलते हैं पूजा वूजा करेंगे, भूख भी लग रही है ना।
चलो भाई नहाते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम जा रहे हैं नहाने, और गाइस पता है गंगा में इतना पानी नहीं है ज्यादा, मतलब यहीं पे गोते लगाने पड़ेंगे पांच, जो गंगा में स्नान होता है। ये क्या कर रहे हैं लोग भाई, आवाज चेंज हो रही है, वैसे नहाते हैं भाई, पूरा चले जाना ठीक है, इसमें गोते लग जाएंगे। आ जाओ फिर, आ जाओ दोनों, आ जाओ ना पांच पांच, ठीक है चल रहे हैं। तो गाइस फाइनली हमने गंगा स्नान कर लिया है, और हम थोड़ी देर नहाएंगे, उसके बाद मिलेंगे, कैमरा रखने जा रहे हैं बाहर। फाइनली हमने कर लिया गंगा स्नान, और गाइस बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे बुखार का तो पता भी नहीं चल रहा, बुखार था नहीं था, हमें सारा भाग गया भाई, लेकिन आवाज़ चेंज हो गई, पर जुकाम जो रखा वो बढ़ गया। तो भाई यहाँ पे पूजा करते हैं थोड़ी सी गंगा जी पे। तो गाइस फाइनली पूजा वूजा सब कंप्लीट हो गई हमारी, यहाँ तो नॉर्मल ही यार, ऐसे यार थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी। अब चलते हैं भाई, चलो यानी कपड़े वपड़े तो घर ही पहनेंगे हम, अब बाल ख़राब हो गए भाई मेरे आज, तो घर पे चलते हैं कपड़े वपड़े पहन के, व्रत व्रत खोलते हैं, घर पे पूजा करनी है, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस फाइनली चलते हैं घर पे, और भाई चलते हैं घर, एकदम जुकाम बढ़ गया लेकिन वैसे ठीक है। चलो भाई फाइनली गाइस हम पहुँच चुके थे घर, और घर से हम तैयार होकर आ गए, मतलब कपड़े चेंज करके, और माता रानी का हमने तिलक भी लगा लिया है, और अभी हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए चामुंडा पे और मंदिर पे पूजा करनी है, उसके बाद चलेंगे घर, घर भी पूजा करनी है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए चामुंडा, जय हो मेरी चामुंडा माता। चलो भाई मेरे साथ ये भी आया है दोनों, तो भाई चलो, जय हो जय हो, आ जा भाई। वो घंटे वंटे नहीं लग रहे क्या साधारण भाई, इतने ऊपर है हाथ कैसे जाएगा। जय हो मेरी माता रानी, गाइस ये चेक करो भाई, हमारा सूरज पाल ना सफाई कर रहा है, गंदगी बहुत हो रखी थी ना चावट पे, पता नहीं लोग कैसे कर देते हैं भाई, पानी भर रखा था, और हमने पूजा नहीं, अभी पूजा नहीं करी है, पूजा बाद में करेंगे, पहले हम कर रहे हैं सफाई। सूरज पाल भाई अच्छा काम कर रहा है भाई आज तो तू। तो भाई हो चुकी है बस, उसके बाद पूजा करके निकलते हैं मंदिर पे। क्या कह रही है बहन जी, ये चेक करो भाई, ये है मेरी बहन ही लगती है, चाचा की लड़की। तो भाई मैंने कर लिया पूजा, और अभी ये कर रहा है हमारा सूरज अंदर, ये चेक। क्या हुआ वो पीछे क्या लिख रखा तुमने, दबंग राणा जी भाई, राणा जी पूजा कर रहे हैं। चलो भाई घंटा नीचे एक ही तरफ ही तो रखा ये रहा। ओम जय लक्ष्मी माता। गाइस फाइनली हमने चावट पे कर लिया पूजा, अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट टेम्पल पे करने, जो हमारे गाँव का मंदिर है शिव मंदिर, वहाँ चलते हैं भाई। चलो तो भाई हम आ गए शिव मंदिर पे, चलो जय हो, यहाँ सफाई है, हाँ आ जा। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के शिव मंदिर पे, भाई ये चेक कर, जय हो, यहाँ तो बज जाएगा भाई घंटा। तो भाई यहाँ करेगा पहले, तू ही कर ले चल, फिर बाद में मैं कर लूँगा, पहले तू कर ले। अरे भाई भाई मेरे पैर में ये घुस गया, क्या था ये भाई, ये घुस गए मेरे पैर में, कोई नहीं। तो अभी कर रहा हमारा सूरज पूजा, उसके बाद करूँगा मैं भाई। कर लिया इन्होंने पूजा, अब करेंगे हम।
पे भी हो गई पूजा मंदिर पे, और अभी दो जगह और जाना है ना, है ना, तो वहाँ चलते हैं फिर चलेंगे घर पे। तो गाइस फाइनली हमने शिव मंदिर पे पूजा कर लिया और जा रहे हैं अभी हम नेक्स्ट कहाँ पे, अभी एक जगह चामुंडा माता और है वहाँ पे जाना है, उसके बाद है हमारे गाँव में जहाँवीर बाबा जी बहुत प्रसिद्ध हैं, तो दो जगह पूजा करनी है उसके बाद करेंगे घर। तो अभी पहले चामुंडा जी पे करते हैं जो चामुंडा माता है हमारी, कुछ ऐसी बोलते हैं कालका जी, वहाँ करते हैं उसके बाद नेक्स्ट। तो भाई इधर गांव के बाहर जाके बिल्कुल चावड़ माता की है हमारी दो, ये चेक करो भाई, फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे, यहाँ करते हैं उसके बाद नेक्स्ट। काजल तू आगे आगे मिल रही है भाई, कर दी पूजा काजल तूने, क्या मांगा माता से है बता तो भाई, ये मेरे बहन मेरी छोटी बहन क्या मांगा गीता, तू क्या मांग रही है ए गीता, ए मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या मांगा माता जी से, हम पास हो जाएं, पास क्लास में भाई ये अच्छा मांग रही, सही है भाई, हर कोई अपनी अपनी सोच, भाई तुम क्या मांगोगे करो ना। गीता बहन तुझे तूने क्या मांगा, पास हो जाए, बस पास हो, सब यही मांग रहे हैं भाई, पास हो जाए बस। चलो भाई करते हैं, पहले तू ही कर ले फिर मैं करूँगा। तो अभी सूरज कर रहा है अपना, फिर करता हूँ मैं। गाइस पता है हम बारी बारी से क्यों करते हैं, ये कर रहा है तो मैं सूट कर रहा हूँ इसका, अब मैं करूँगा तो ये सूट करेगा मेरा, करो भाई। और भाई ये देखो कुत्ता कहाँ चढ़ा हुआ था, ये ऊपर से उतरा वहाँ चल रहा था, अब नीचे आ गया भाई, ऊपर क्या ले रहा था भाई, तो भाई यहाँ पे पूजा कर दिया, अब बस एक जगह और करनी है। और गाइस पता है अभी मैं पूजा कर रहा था, मुझे आपको एक चीज़ दिखाऊं बहुत थोड़ी फनी टाइप की है, मैंने उसे देखा, देखो दिखा रहा हूँ इसके अंदर, देखो भाई क्या है अंदर, जो चामुंडा माता जी है ना इसके अंदर, ये चेक करो भाई, ये भाई ये क्या कर रहा है, ओ हेलो भाई साहब क्या कर रहे हो अंदर, माता जी इतना ये माता पता नहीं भाई कौन है भाई, चामुंडा माता के अंदर बैठा कुत्ते ने गड्ढा खोद रखा, ये देखो भाई, अरे भाई बाहर निकले ओए भाई, मस्त है एकदम नींद, मस्त अच्छी नींद आ रही है, गर्मी लग रही है ना, तो अंदर गड्ढा खोद के ठंडक में बैठा। चलो भाई चलो अब चलते हैं नेक्स्ट जगह गाइस, अब जा रहे हैं हम जहाँवीर बाबा जी पे पूजा करनी है अब नेक्स्ट, बस लास्ट है उसके बाद सीधा घर। बाबा जी नाराज हो रहे हैं भाई, आग जला दी तिल्ली नीचे गिर गई, फाइनली हर जगह पूजा हो गई, बस अब घर पे करने लास्ट, चलते हैं घर पे करते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं घर, और गाइस पता है मैंने पूजा भी कर दी है अपने घर के मंदिर में, और गाइस अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से, पता है सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो अभी मैं जा रहा हूँ दूध पीने के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ खाना ठीक नहीं रहता एकदम व्रत में, बस दूध पीते हैं। और गाइस पता है जो मुझे फीवर होता ना सुबह, आपने देखा होगा पीछे सुबह कितनी भयंकर हालात हो रही थी, तो फाइनली गाइस मेरा फीवर तो डाउन हो गया गंगा नहा के, मतलब ठीक है माता रानी का हमने व्रत रखा, बुखार गायब हो गया, लेकिन हाथ जुकाम मेरा डाउन नहीं हुआ है, वो तो जैसा था उससे भी ज़्यादा हो गया है लेकिन हाँ गाइस ठीक है, मतलब अच्छे खासा मैं फील कर रहा हूँ अब जैसा भी है। तो गाइस फाइनली दूध पीते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस जी आ चुका अपना दूध, और भाई पीते हैं अब जाके गाइस, मैंने सुबह से अब कुछ खाऊंगा पीऊंगा, खाऊंगा नहीं मतलब दूध ही पीऊंगा, कुछ खाऊंगा नहीं वैसे। तो गाइस फाइनली मैंने दूध पी लिया है, और भाई अब करते हैं कुछ देर रेस्ट, क्योंकि भाई अभी मैंने मम्मी मम्मी व्रत में दवाई खा ले मैं, और क्या दवाई खाने में, चलो भाई मम्मी कह रही है दवाई खा सकते हो, मतलब व्रत तो खोल दिया है ना, क्योंकि गाइस दवाई भी खानी एकदम, मतलब फीवर गया नहीं है वो गंगा नहा के थोड़ा लग रहा है मुझे ठीक सा, तो दवाई भी खानी है मुझे, तो अभी दुकान पे चलते हैं दवाई वगैरह खाते हैं। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ रूम पे अभी, और गाइस पता है दूध दूध पिया भी कुछ खाया नहीं है, कुछ खाऊंगा मैं 4 बजे, अभी बज रहे हैं 2 घंटे बाद कुछ खाऊंगा, एप्पल वगैरह या फल फ्रूट ही खाऊंगा कुछ, तो अभी पापा लेंगे पता नहीं ले लिए होंगे जैसा भी, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, मतलब फ़ोन वोन चलाते हैं कुछ आराम टाइप का कुछ करते हैं, उसके बाद मिलते हैं भाई, क्योंकि ये टाइम निकालना है, भूख लग रही है दूध पीने के बाद भी भूख लग रही है, शाम को ही मिलेगा खाना, नहीं कल ही मिलेगा खाना, शाम को कुछ मीठा खाना है, तो भाई अभी कुछ करते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं उठ चुका हूँ सो के भी, और गाइस टाइम हो रहा 4:55 भाई, 5 बजने वाले, मैं 2-3 घंटे में उठाऊँ सो के, और मम्मी कह रही थी खाट पर नहीं सोते व्रत में, तो भाई मैं खाट पर नहीं सोया था इसलिए बेड पर सो गया था, बेड पर सो सकते हैं बट खाट पर नहीं सोते, पता नहीं क्या है। तो भाई चलते हैं घर, चाय वाय पीते हैं, क्योंकि भाई चाय का टाइम हो रहा, भूख भी लग रही है, कुछ खाया तो है नहीं, शाम को कुछ बनवाते हैं व्रत का ही, तो फाइनली चलते हैं घर चाय वाय पीते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर, और गाइस पता है शाम हो गई, अंधेरा होने वाला, मतलब सूरज गया अपने घर, तो गाइस जी आ चुके अपनी चाय पीते हैं, उसके बाद मम्मी से मैं कुछ बनवाऊंगा खाने के लिए,
क्योंकि भाई सुबह से सिर्फ दूध पे आया, फिर चाय पी रहा हूँ और खाना खाएंगे शाम को। सॉरी खाना नहीं, व्रत का ही मतलब कुछ होता है तो बनवाएंगे, फिर चाय पीते हैं अभी। तो गाइस फाइनली चाय पी लिया और भाई पता है जुकाम कम होने के लिए नहीं कह रहा, सुबह से इतना भयंकर हो रहा ना, बहुत ज़्यादा। और व्रत के लिए मम्मी से कुछ बनवाते हैं, उसके बाद खाना है क्योंकि भाई भूख लग रही है बहुत तेज़। तो मम्मी आ रही नीचे से, कुछ बनाएंगे उसके बाद खाते हैं। तो गाइस फाइनली नाइट हो चुके हैं, अभी हमारा व्रत के आलू बन चुके हैं, खा पी के ये वाला ब्लॉग करते हैं एंड, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, मॉर्निंग से शूट कर रहे हैं जैसा भी है। और भाई मैंने पूजा वूजा भी कर दी थी शाम की, मैं ब्लॉग करना भूल गया। तो अब कुछ खाते हैं फिर ब्लॉग एंड करते हैं। तो गाइस फाइनली हमने खाए व्रत वाले आलू, ये चेक करो थोड़े से बचे, इन्हें भी खा जाता हूँ क्योंकि भाई अब यही खाना भाई 9 दिन तक आलू वगैरह जो भी व्रत का सामान। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि भाई अब आगे कुछ भी नहीं ब्लॉग एंड करना, एडिट करना जो भी है। और गाइस पता है मेरे यूट्यूब चैनल सतेंद्र रोशन राइडर पे ना 9 दिन शॉर्ट ब्लॉग भी आपको शाम को 8 बजे देखने के लिए मिलेंगे। शॉर्ट बना रहा हूँ मैं, 9 दिन बनाऊंगा, चैलेंज है 9 डे का जैसा भी है, पहला नवरात्रा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, जैसे करके। तो फाइनली गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो गाइस कैसा लगा हमारा ब्लॉग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताना। गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जिस भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी हर एक नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती है और आप देख पाए हमारा ब्लॉग सबसे पहले। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।